सम्मानित मंच और मंच पर बैठे हुए हमारे केंद्रीय नेता, हमारे लोकसभा में भी साथी और जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, कैलाश चौधरी जी, सतीश पूनिया जी, विजयताई राहटकर जी, भजनलाल जी और सभी सम्मानित मंच और आप इस बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे हुए सभी आदरणीय युवा साथी, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों, देखिए सारी बातें आपको जानकारी दे दी गई है। मैं दो तीन बातें आपको कहना चाहता हूं। जैसे मैं आजकल संस्कृति मंत्रालय संभाल रहा हूं, पानी के विषय में गजेंद्र सिंह जी अभी आपको बताएंगे काफ़ी किस तरह से ERCP को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा है, उसकी जानकारी आपको ये देंगे। संस्कृति मंत्रालय के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि ये मात्र संयोग नहीं है कि श्री राम मंदिर का निर्माण मोदी जी के कालखंड में हो रहा है और जनवरी 24 को इसका उद्घाटन हो जाएगा। ये कोई मात्र संयोग नहीं है। काशी आप अगर गए हो तो पता चला होगा, काशी भव्य बन गया। 354 ऐसे लोग थे जो माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ के बीच में अवरोध बने हुए थे, जिनके पास पट्टे भी थे, अतिक्रमी भी थे, उनको हटाया गया और काशी भव्य बन गया। कॉरिडोर उज्जैन में भी बन गया, केदारनाथ जी भी ठीक हो गए। चंद्रशेखर जी भाई साहब आ गए हैं तो मुझे लगता है आने वाले हैं, इसे जल्दी जल्दी मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। लेकिन राजस्थान में भी ऐसे सांस्कृतिक उत्थान के बहुत अवसर आए और आ सकते थे, लेकिन यहां डबल इंजन की सरकार नहीं होने के कारण आपके सांस्कृतिक उत्थान के जो काम होने वाले थे वो नहीं हुए। अब आप पास में मथुरा और मथुरा और भरतपुर का विकास, क्या इसका कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए? क्या सांस्कृतिक उत्थान में इस कॉरिडोर का भी बड़ा महत्व है? ब्रज का भी कॉरिडोर बनना चाहिए, इसका भी बड़ा महत्व है। लेकिन ये तभी संभव है कि यूपी में तो उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी, दोबारा रिपीट भी कर दी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने से योजनाओं पे ब्रेक लगा, पीएम आवास ब्रेक लग गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना बंद हो गई और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के जो काम थे वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च प्राथमिकता में है, कांग्रेस की ये लोवेस्ट प्राथमिकता है। इसलिए वो काम भी, उनके DPR भी नहीं आती, काम सैंक्शन भी नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हो सांस्कृतिक पुनरुत्थान इस ब्रज क्षेत्र का, जिसमें भरतपुर भी सम्मिलित है, मथुरा भी सम्मिलित है, तो आपको डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनानी पड़ेगी। बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? बोलिए भारत माता की। दूसरा विषय, छोटा सा विषय लेकर के बंद करूंगा क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्रालय देखता हूं। अब आप देखिए, राहुल गांधी बोले कहीं कोलार में, खुद बोले, पहले कहते हैं कि हमें बोलने की आजादी नहीं है, खुद बोले, फिर कोर्ट ने सजा दी, और यहां के मुख्यमंत्री जब सूरत में कोई अपील करने जाते हैं तो यहां के मुख्यमंत्री भी वहां जुडिशरी पे प्रेशर के लिए जाते हैं। किसी ने पूछा कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से कि भाई इतने लोग क्यों गए, ये तो कानून का मामला था, कानून के तहत निर्णय हुआ, आपने कुछ गलत बोला, ओबीसी समाज को गाली दी, उसके आधार पर आपने माफी नहीं मांगी, तो आपके विरुद्ध निर्णय हुआ, तो आपकी सदस्यता गई। अब आपको अपील करनी थी तो वकीलों से करनी थी, इतने लोग क्यों गए, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गए। तो उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी लिए विशेष दर्जा होना चाहिए। आज हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर का भी विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था, ध्यान है ना। विशेष दर्जा वाला विषय कांग्रेस में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी रूल ऑफ लॉ में विश्वास करती है। इसलिए ऐसे अशोक गहलोत जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो, हमारी न्यायपालिका के खतरा हो, ऐसे मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए कि नहीं? और चुनाव का सबसे बड़ा अवसर होता है, वोट की चोट ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, हलचल हो रही है, मेरे ख्याल में गृह मंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि 2023 में जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उसमें
आप कांग्रेस को उखाड़ के फेंकिए, यही संकल्प लेकर के आपको जाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।